नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कोरोना नाम की आफत लगभग पूरे भारत को अपनी चपेट में ले चुकी है। आज देश में कोरोना वायरस के कुल 3,26,332 नए केस दर्ज किए गए। वहीं एक दिन में 3,890 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इससे अब तक मरने वालों की संख्या 2,66,207 हो गई है। देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,43,72,907 है। वहीं रात की बात यह है कि एक दिन में 3,53,299 लोग इस महामारी को मात देकर ठीक हो गए और अब तक 2,04,32,898 लोग कोरोना से निजात पा चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 36,73,802 है। कोरोना संकट के बीच एक और मुसीबत देश का इंतजार कर रही है। गुजरात केरल समेत देश के 5 राज्यों पर चक्रवाती तूफान तोकते का खतरा मंडरा रहा है। ये आज गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा और उसके बाद अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान का रूप लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी तटीय राज्यों को सतर्क किया है। स्कॉटलैंड में दो भारतीयों को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। यहां के सीमा बल के अधिकारियों ने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आव्रजन संबंधी नियमों के उल्लंघन के संदेह में दो भारतीयों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर करीब 8 घंटे तक बल की गाड़ी को वहां से जाने नहीं दिया। इसके चलते दोनों को रिहा करना पड़ा। दोनों भारतीयों की पहचान शेफ सुमित सहदेव और मैकेनिक लखवीर के तौर पर हुई है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही इस वर्ष की चार धाम यात्रा आरंभ हो गई है। 6 माह के शीतकालीन अवकाश के बाद आज सुबह गंगोत्री धाम के कपाट मिथुन नगर में सुबह 7:30 पर पूरी विधि विधान से खुले। केदारनाथ मंदिर के कपाट 17 मई को और बद्रीनाथ के कपाट 18 मई को खुलेंगे। प्रदेश में संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चार धाम यात्रा स्थगित करने की घोषणा 29 अप्रैल को की थी और कहा था कि धामों के कपाट नियत समय पर खुलेंगे, लेकिन उनमें पूजा पाठ केवल तीर्थ पुरोहित ही करेंगे। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम ने कहा है कि भारत की COVID-19 की स्थिति चिंतित कर रही है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में संक्रमण के चिंतित करने वाले संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं। WHO प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा है कि महामारी का दूसरा साल दुनिया के लिए पहले साल के मुकाबले अधिक घातक होगा। गांवों में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शनिवार को 1000 टीमें फील्ड में उतर जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 दिन में हर घर के लोगों को स्क्रीनिंग का लक्ष्य है। इसके लिए 8000 टीमें बनाई जा रही हैं। इस दौरान हरियाणा के घर घर स्क्रीनिंग से लेकर सामान्य स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। गांवों को सैनिटाइज करने के लिए अलग से फंड जारी किया गया है और इस दौरान हॉटस्पॉट इलाके पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। फ्रांस से 4 राफेल लड़ाकू विमानों की नई खेप भारत पहुंचने वाली है। ये लड़ाकू जेट्स 19 से 20 मई को फ्रांस के मेरिगेक बोर्डो एयरबेस से अम्बाला पहुंचेंगे। चारों राफेल आने से पहले भारतीय वायुसेना ने 101 स्क्वाड्रन को फिर से जिंदा करने वाले का फैसला किया और इसे पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन धीरे धीरे कई जिलों में फैल रहा है। कानपुर और लखनऊ में कुल 3 मरीजों की जान लेने के बाद ब्लैक फंगस ने गौतम बुद्ध नगर में भी दस्तक दे दी है। नोएडा में अब तक 10 मरीज सामने आ चुके हैं, वहीं कुल 2 की मौत भी हो चुकी है। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बता दें कि शुक्रवार को नोएडा में 6 संक्रमित मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन मोड में हैं। पीएम शनिवार को एक हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में कोरोना वायरस के साथ साथ टीकाकरण कार्यक्रम भी चर्चा हो रही है। हाल ही में पीएम ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम संबोधित किया था। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाती जा रही है। अब योगी सरकार 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन अभियान में 5 और जिले जोड़ चुकी है। अब तक 18 जिलों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा था, अब ये बढ़कर 23 जिलों में हो गया है। सोमवार 17 मई से इस पर अमल शुरू हो जाएगा। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।